छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में उस वक्त शराब की लूट मच गई जब शराब से भरा एक ट्रक टायर फटने से सड़क किनारे पलट गया था। फिर क्या था, आसपास के मौजूद लोग एक एक कर अंग्रेजी शराब लूटने में लग गए। कोई बियर ले जाता दिखा तो कोई महंगी बफर ले जाता नजर आया। पूरी घटना नेशनल हाईवे में रानी सागर गांव के पास हुई। शराब से भरे ट्रक पलटने की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पिपरिया और सिटी कोतवाली पुलिस की टीम को लोगों को भगाने में पसीने छूट गए। शराब प्रेमी इस कदर शराब लूटने में लगे थे कि जैसे बरसों से शराब नहीं मिली है। पुलिस ने डंडे भी लगाए फिर भी लोग नहीं माने। जिसके हाथ में जितनी शराब आई वह पकड़ते गए और उतनी शराब उठाकर भागने लगे। आबकारी जिला अधिकारी डीएसपी दर्दी ने बताया कि कबीरधाम जिले के शासन ने कुई में नए शराब की दुकान खोली है, इसलिए रायपुर से 250 पेटी शराब ट्रक में ले जा रहे थे। इसी दौरान टायर फटने से हादसा हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।